नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज में आपके लिए कुछ और भी टाइप के सवाल लेके आया हूं। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर एक पे। आज का सवाल नंबर एक क्या है? सवाल नंबर एक है, एक परीक्षा, एक परीक्षा में कुल, तो आज का सवाल नंबर एक क्या है? सवाल नंबर एक देखिए, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले का देखिए, आज एक विशेष प्रकार का यानी अलग प्रकार का सवाल है। आप ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल को आपको पहचानना है। ऐसा सवाल आए तो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, बात खत्म। कुछ नहीं दिमाग में माना कि ऐसा कुछ नहीं मानना है, ठीक है? देखिए, आप सिर्फ सीखेंगे कि फॉर्मेट आपको समझना है और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, बस देखिए, ठीक है? अब आप ध्यान से हर सवाल को जब भी आप बनाइएगा, आप देखिएगा कि दिया क्या, पूछा क्या। देखिए, जब भी दिया रहेगा, जैसे देखिए इसमें क्या दिया है कि दोनों में फेल हुए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, फेल हुए हैं। देखिए दिया है डेटा, फेल हुए। अब बाद में देखिए पूछेगा क्या, तो पूछेगा आपको पास हुए। क्या पूछ रहा है आपको कि पास हुए, कितना पास हुए, ठीक है? ये बात समझ रहे हैं? तो जैसे ही दिया रहेगा फेल, अब पूछेगा पास, दिया रहेगा पास, पूछेगा फेल। तो ऐसे सवाल का फॉर्मेट आप समझ लीजिए। ऐसे सवाल को बनाने का बहुत आसान तरीका, कुछ मत कीजिए पहले प्रतिशत, तो कुछ क्या कीजिए, आप यहाँ पे पहले 100 लिख दीजिए, क्योंकि टोटल होता है 100%। यह आपको सीखना है कि ऐसे बनाना है, बात खत्म, ठीक है? 100 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस का साइन दीजिए। अब देखिए जो अलग अलग होगा, ठीक है, यानी कि हिंदी में ये है, अंग्रेजी में ये 45 है, और दोनों में, ठीक है, जो अलग अलग होगा इस ब्रैकेट के अंदर उसको जोड़िएगा, और जो दोनों में होगा उसको घटाइएगा, ठीक है? तो देखिए ऐसे लिखना है आपको, यानी कि यहाँ पे आप, आपको एक फॉर्मेट देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी और माइनस सी, ऐसा करके इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, यही दोनों में पास होने वाला का मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है फेल तो मिल जाएगा पास, क्वेश्चन दिया रहता पास तो मिल जाता फेल, ठीक है? तो ये पहले आप उतार लेंगे, यानी कि यह आपका फॉर्मेट है, यही आपका आंसर होगा कि इतना प्रतिशत, ठीक है? क्वेश्चन में फेल है तो पास निकलेगा, पास है तो फेल निकलेगा। चलिए आप बनाते हैं ए और बी का मतलब, जो ये अलग अलग दिया है वो, और सी का मतलब जो दोनों में दिया है वो, ठीक है? बात समझ गए? तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस, ठीक है, ए, ए का मतलब 35 प्लस बी का मतलब 45 और माइनस सी का मतलब 20। इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिए आएगा 100 माइनस, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 35, यानी कि 30, 40, 70, 10, 80 आएगा, और माइनस 20, इसका मतलब कितना आ गया, 100, और माइनस आपका कितना आ गया, 60, ठीक है? इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 40। और देखिए आपको सिखा रहे हैं, तब आपको कर करके मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसको मौखिक पढ़ते, इस दोनों को जोड़ना, इसको घटाना, 100 में घटा लेना, ठीक है? यही सवाल का आंसर होता। तो 40 आ गया, इसका मतलब 40% विद्यार्थी क्या होगा कि दोनों में पास हो गए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, चौथा ऑप्शन है 23%, ठीक है? तो जैसे देखिए सवाल नंबर दो, जो पीछे था सवाल नंबर एक, सेम वैसा ही है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 52% अंग्रेजी में, 42% गणित में तथा 17% दोनों में फेल हो गए हैं, नहीं फेल हो गए हैं, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुए, ठीक है? तो सेम सवाल है, तो आप सेम डेटा यूज कीजिए, सेम क्या फॉर्मेट यूज कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 100 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 हो गया, प्लस कितना होगा, 42, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा, 17 हो गया। अब इसका आप यूज कीजिए, तो देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2, 2, 4, 5, 4, 9, यानी कि 94 माइनस 17, ठीक है? और 94 में से 17 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा,
14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 8 में से 1 जाएगा 7, सही है। हाँ 7 × 7 = 14, 7 × 8 = 77, ठीक है। यानी कि 100 में आप 77 घटाएंगे कितना जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यानी कि 23 आ गया। और 23% ही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बात समझ गए हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3 फिर से है, सवाल नंबर 3। एक परीक्षा में 52% परीक्षार्थी विज्ञान में, इस बार क्या बोला है, अंग्रेजी के जगह पे विज्ञान दे दिया है, और डी नंबर आपका है 48%, ठीक है। तो जैसा सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, सवाल नंबर 2 जैसा था सेम वैसा ही सवाल है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 52% विज्ञान में और 40% अंग्रेजी में तथा 27% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत कितना है। हर बार बार आप देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि फेल हुआ, क्वेश्चन में दिया गया फेल, अब पूछ रहा है पास, यानी कि ऐसा ही कंडीशन आपको अगले सवाल में कंडीशन घुमाया होगा, तो आपको इस फॉर्मेट में ला के तब ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, दिया गया फेल, पूछ रहा पास, तो फिर से वही फॉर्मेट का यूज करेंगे। तो वही फॉर्मेट का जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक है 52 और एक है 40 और घटने वाला कितना है 27। अब इसको घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 52 और 40 कितना होता है 92 - 27, तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ बच गया कितना 8 में से 2 गया 6, 65। 100 में से 65 घटा देंगे कितना जाएगा 35 आ जाएगा, और 35% इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, और 35% इस सवाल का आंसर है, ठीक है। फिर से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार क्या हुआ, परीक्षा नहीं दिए, इस बार समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है आपका, 40% लोग, ऑप्शन डी है आपका 15%, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सवाल नंबर 4 क्या है, 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते, माने कि यह समाचार पत्र का मतलब अखबार न्यूज़पेपर जो कहते हैं, यानी हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर, ऐसा करके आपको पेपर आता है वही, उसी प्रकार का यह समाचार पत्र का नाम एक्स रखा है। तो 50% लोग समाचार पत्र एक्स क्या पढ़ते हैं, 40% एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं वाला बात है, नहीं पढ़ते हैं वाला बात, अब पूछा क्या है कि नहीं पढ़ते। देखिए सेम पीछे जो आप सवाल बनाए हैं, सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया कि हाँ था और नहीं पूछ रहा, तो हाँ था और नहीं पूछ रहा, तो ऐसे सवाल का फॉर्मेट आपको सेम इस प्रकार इस पर बैठाना होता है। तो आप इस पर बैठाइए और आंसर निकालिए, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ पर बैठाइए। तो आपका क्या है, पहला है 40% प्लस 50% और माइनस 10, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कीजिए, 40, 50, 90 में से 10 गया तो 80 आ गया, और यहाँ पे माइनस 80 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और ये 20% ही इस सवाल का आंसर है। 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई नहीं पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। अगला सवाल नंबर 5 आपका क्या है, एक सर्वे में पाया गया कि 80%, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 आपका क्या, यह देखिए कि एक सर्वे में पाया गया है कि, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण जो होता है, मतलब कि जांच करता है, ठीक है, आदमी से जा जा के पूछता है, ठीक है। तो एक सर्वे में पाया गया कि 30% लोगों के पास फोन है, फोन आप समझते हैं,
और 75% लोगों के पास पीसी है। पीसी मतलब आप प्रियंका चोपड़ा ना समझ जाना, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, तो पीसी है। यदि 25% लोगों के पास फोन तथा पीसी दोनों है तो कितने प्रतिशत लोग के पास फोन पीसी तथा या दोनों है। तो देखिए इसके पिछले जो सवाल आपने पढ़ा था तो उसमें यदि पास होता था तो फेल पूछता था, यदि पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ने वाला पूछता था। इस बार देखिए दिया गया डेटा है बाद में भी पूछ रहा है कि या तो फोन है या तो पीसी या दोनों है। यानी कि ऐसा सवाल जब पूछे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आपने इसके पहले में ये 100 माइनस करके ये ब्रैकेट वाला बात किए थे ए प्लस बी और माइनस सी, तो जब ऐसा सवाल इसके पहले सवाल पूछा था जिसमें हाँ मतलब पास था तो फेल पूछ रहा था, फेल था तो पास पूछ रहा था, पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं ऐसा पूछ रहा था, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, उसने जो दिया उसी में से पूछा है या तो ये या तो ये या तो दोनों। जब वह पूछे तो आप इस 100 को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, यानी कि सिर्फ यही डेटा आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार को इसमें क्या करेंगे, ये डेटा जब फिल करेंगे जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो ए के जगह पर कितना है आपका 30% 30+, बी के जगह पर 75 और सी के जगह पर कितना है 25। तो इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे यह कितना हो जाएगा 5+75=80 आया और 80% इस सवाल का आंसर है। तो आप समझ गए यानी कि आज जो आप सवाल पढ़ रहे हैं उसमें आपको फॉर्मेट समझना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा सवाल आएगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे बस, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 80 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6, किसी विद्यालय में कक्षे ऑप्शन डी आपका है 9, ठीक है। तो देखिए अब जो सवाल है वह थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। सवाल नंबर जो आपका है सवाल नंबर क्या है 6 क्या है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थियों का 85% बांग्ला में उत्तीर्ण होने का मतलब पास हुए हैं, 70% गणित में पास हुए एवं 65% दोनों में क्या हुए उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 60 दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए आप पीछे थोड़ा सा देखिए कि आपको दिया गया है उत्तीर्ण, क्या दिया गया है उत्तीर्ण, और पूछ क्या रहा है अनुत्तीर्ण, ठीक है, पूछ रहा है अनुत्तीर्ण। तो प्रतिशत में आप जानते हैं यदि सवाल में प्रतिशत की बात करता कि 85% बांग्ला में उत्तीर्ण हुआ, 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ और 65% दोनों में, तो कितना क्या हुआ अनुत्तीर्ण माने कि फेल हुआ। तो इसके लिए पास दिया गया फेल पूछा, तो आप जानते हैं कि 100 वाला बात यानी 100 अब माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी करते हैं तो वो हो जाता कितना उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण माने फेल वाला हो जाता है। प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, पहले प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक, आपको करना क्या पड़ता है, करना पड़ता है 100 माइनस ए प्लस बी और माइनस सी, ऐसे करना पड़ता है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 100 माइनस ए के जगह पर कितना है 85, बी के जगह पर 70, सी के जगह पर 65 है। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो आता है 100 माइनस, या देखिए इसमें 5 यहाँ पर आ जाएगा 90 यानी कि 190 गया 10%। इसका मतलब हुआ कि 10% कुल विद्यार्थी का 10% क्या हुआ कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन इस सवाल में क्या दिया गया है कि टोटल विद्यार्थी परीक्षार्थी कितना है 60 है, तो कितना विद्यार्थी हुआ होगा तो 60 का 10%, तो 60 का 10% मतलब ये होता है यानी कि 6 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 56% गणित में पास हुए, 25% दोनों में फेल हुए, यदि 414 दोनों विषय में पास हुए तो कुल छात्र कितने थे।
तो देखिए ऐसा सवाल आप पीछे बनाए हैं, इसमें थोड़ा सा घुमा के डेटा दिया है। देखिए जब देता था शुरू में, यहाँ पास हुए, यहाँ पास हुए, यहाँ भी पास हुआ वाला बात देता था, तब आपको फेल वाला बात निकालना होता था। लेकिन देखिए यहाँ दिया हुआ पास, यहाँ भी दिया हुआ पास, यहाँ पर देखिए पास लिखा हुआ, यहाँ भी पास लिखा हुआ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ फेल, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ लिख रहा पास नहीं। तो देखिए सवाल को घुमाया है, यदि यहाँ भी रहता फेल, यहाँ भी रहता फेल और यहाँ भी रहता फेल, तब यहाँ पे पास देता, तब आपका सवाल सीधा हो जाता। तो हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 65% क्या है, पास है, तो फेल कितना हुआ होगा, 35% नहीं, 35% फेल हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे 35 लिखा रहता तो उतना फेल हो जाता, तो यहाँ ये जो 65 है इसके जगह पर मैं लिख दूंगा 35, ये हो जाएगा फेल, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो 56 है पास, तो फेल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 और कितना 40, यानी कि 44, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, ठीक है। अब दोनों ये, अब ये भी हो गया, यह भी फेल हो गया, यह भी फेल हो गया, और दोनों के लिए फेल तो यहाँ 25 है ही, तो माइनस कितना हो जाएगा 25। और जब इस डेटा को ऐसे सॉल्यूशन आप करते हैं, तो देखिए यह फेल फेल फेल, और इसमें से घटाते थे क्या निकलता, पास नहीं। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उतना परसेंट विद्यार्थी क्या होगा, दोनों में पास किया होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 100 माइनस, ठीक है। इसको जब कीजिएगा, देखिए 25 में से ये 35 में से 25 घटेगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 44, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 54। इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना बच गया, 9 में से 5 गया तो 4, तो 46% हो गया, 46% आपका ये हो गया। तो 46% जो हुआ यह क्या हो गया, यह दोनों में पास हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि 414 दोनों में पास हुआ, इसका मतलब 46% का वैल्यू 414 है। आपसे पूछा है कि कुल छात्र मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू आपको बताना है। तो 46% बराबर है 414, तो 1% बराबर होगा 414/46। इसको जब कटाइएगा तो यह 9 बार में कट जाता, इसका मतलब हुआ 1% का वैल्यू है 9, तो 100% का वैल्यू, तो इधर भी 20 इधर भी 20, इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 900 विद्यार्थी टोटल हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल नंबर 8 आपका क्या है, सवाल नंबर 8, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, किसी विद्यालय में, और डी है 48, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 8 आपका क्या है, सवाल नंबर 8 है, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% छात्र अंग्रेजी 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या, देखिए सवाल थोड़ा सा और घुमाया हुआ है, इसके पहले जो भी सवाल पढ़ते थे तो 75% अंग्रेजी 45% हिंदी और कुछ परसेंट दोनों बोलता था, ठीक है। जिस सवाल में दोनों वाला बात नहीं है, दोनों वाला पूछ रहा है, तो इस सवाल के लिए आप कुछ मत कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल होता 100%, और उसने बोला देखिए 75% अंग्रेजी और 45%, तो 100% ही होना चाहिए टोटल, लेकिन ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 100 से ओवर हो जाएगा, तो वही जो ओवर होगा वही ज़्यादा होगा, वही होगा दोनों में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में दोनों के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चलिए ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको करना क्या है, दोनों निकालना होगा, तो वह क्या करेंगे, आप इसमें 75 + 45 जोड़ के 100 घटा दीजिए, ठीक है। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो देखिए आपको क्या होगा, 5 + 5 = 10 होगा, 4 + 7 = 11, 120 - 100, इसका मतलब हुआ 20%, 20% जो विद्यार्थी है वह क्या करता है, दोनों विषय पढ़ता है। तो उसने बोला है दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या बताइए, तो टोटल संख्या आपका कितना है, 600 है,
600 का 20% आपको निकालना, 600 गुना 20 बटा में 100, इसको जब कटा दीजिएगा 6 दुनी 12 120 हो गया, क्या हो गया 120 इस सवाल का आंसर है। समझ गए हैं आप। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बैंक भर्ती परीक्षा में 70% दक्षता परीक्षा में पास हुए तथा 65% साक्षात्कार में पास हुए, 27% दोनों में असफल हुए और 248 दोनों परीक्षा में सफल हुए, तो लिखित परीक्षा में कितने सफल हुए। देखिए जैसा आप पीछे सवाल बना चुके हैं उसमें हमेशा क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 70% पास हुए हैं, यहाँ पे है 65% पास हुए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ जो है 27% क्या असफल, तो दोनों में उल्टा है। और हमको निकालना क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों परीक्षाओं में क्या हुए सफल, तो सफल वाला डेटा निकालने के लिए यहाँ पर जो ये डेटा है, ये डेटा है और ये डेटा सभी होना चाहिए असफल वाला, तब आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ टोटल हो जो होता है वह होता है 100%, तो देखिए यहाँ पे 70% क्या हुआ पास हुआ, तो कितना परसेंट फेल हुआ होगा, तो यानी कि 30% अगर यहाँ लिख देते हैं तो इसका मतलब 30% यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा 35% फेल हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब सवाल बन गया, किसी बैंक परीक्षा में 30% दक्षता में फेल हुए, 35% साक्षात्कार में फेल हुए, 27% दोनों में फेल हुए, ऐसा डेटा रहता है तो दोनों में पास होने वाला निकालना बहुत आसान होता, तो हम जान गए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन कैसे होता है, आप जानते हैं कि 100 माइनस, अब यहाँ पर कितना लिखाएगा 30 प्लस 35 माइनस 27, यह जो डेटा होगा वह क्या होगा दोनों में सफल हुए नहीं, तो दोनों में सफल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 100 माइनस। देखिए इसका जब सोल्यूशन करेंगे ये 30 है और ये 27 घट जाएगा 3, यानी कि 38 यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसका सोल्यूशन कर देंगे यह कितना हो जाएगा 62, यानी कि इसका मतलब हुआ 62% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए पास हुए, तो 62% दोनों में, तो इसका वैल्यू कितना है 248, संख्या में ये प्रतिशत में है, यहाँ संख्या में, तो 248 इसका मतलब हुआ 62% के बराबर है 248, तो यदि आपको कहेंगे 1% बराबर, तो आप देखिए ये 4 से कटता होगा, इसको जब 4 करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा यानी आएगा 4, तो 1% के बराबर 4 है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि कितने सफल हुए, यानी कि कितने लिखित, यानी कि टोटल पूछा गया, टोटल मतलब 100%, तो 100% मतलब होता है 20 इधर चिपका दिए 20 इधर, यानी कि 400 इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल नंबर 10। तो आपका सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10, किसी पार्टी में ई है 600 और डी है 300। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 आपका क्या है, सवाल नंबर 10 है किसी पार्टी में 70% व्यक्ति कॉफ़ी एवं 65% व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 27% व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं एवं 248 व्यक्ति दोनों पीते हैं, तो पार्टी में कुल कितने। तो देखिए यह भी सवाल वैसे ही है, सफल और सफल, सफल और सफल, तो देखिए इसने क्या दिया, यहाँ कुछ नहीं वाला है और यहाँ आपसे ये क्या है हाँ वाला, माने कि पीते हैं 70% पीते हैं, 65% पीते हैं और यहाँ दिया है नहीं पीते हैं, अब बाद में पूछा है दोनों पीते हैं, यानी कि हर जगह तीनों डेटा नहीं पीते वाला होगा, तब उसका जो सोल्यूशन जैसे पिछले करते हैं वैसे करेंगे तो हमको पीने वाला होगा, दोनों पीने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं कि ये देखिए 27% नहीं है तो इसको नहीं रहने देते, इसमें हाँ है 70% कॉफ़ी पीते हैं माने हाँ हुआ, तो इसको नहीं, नहीं कितना पीते होंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से 30%। ठीक है, फिर उसी प्रकार 65% व्यक्ति क्या करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो नहीं पीने वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर 35% होगा, और फिर 27% दोनों में। अब हम क्या करेंगे, जैसे पीछे सवाल बनाते हैं 100 माइनस करके, ठीक है ऐसे बनाएंगे, ये क्या होगा 100 माइनस, अब क्या हो जाएगा
30 प्लस 35 माइनस 70, इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, जितना निकलेगा वह दोनों पीने वाले होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन करते हैं, आता है 100 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 100 माइनस 38 का मतलब कितना होता है, 138 खड़ा देते हैं 62, यानी कि 62% व्यक्ति क्या है, दोनों पीते हैं। 62% का वैल्यू इसमें कितना हुआ, 248, तो यहाँ से क्या इतना होगा 248, इसको जब कटा दीजिएगा चार बार कट जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हुआ 4, तो 100% का वैल्यू, क्योंकि कुल तो 100% मतलब 20 इधर तो इधर भी 20, इसका मतलब हुआ 400 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों, नहीं 400 व्यक्ति क्या हुआ टोटल हैं, टोटल हैं 400 व्यक्ति इस पार्टी में उपस्थित थे। ठीक है, तो हो गया सवाल नंबर 10। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।